महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बरकरार सस्पेंस के बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अगले हफ्ते महाराष्ट्र में सरकार का गठन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लेकर करीब करीब सहमति बन गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का पहला टर्म शिवसेना को मिल सकता है, वहीं कांग्रेस का स्पीकर बन सकता है। इसके साथ ही मंत्रियों के चयन को लेकर खबर है कि तीन पार्टियों के विधायकों की संख्या के आधार पर मंत्रियों का चयन किया जाएगा। नई सरकार किसानों के एजेंडे को लागू करेगी। वहीं महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर भाजपा और शिवसेना में चल रहे झगड़े के बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने नसीहत दी है। मोहन भागवत ने कहा कि स्वार्थ खराब चीज होती है। भागवत ने कहा, आपस में झगड़ने से दोनों की हानि होती है। झगड़ने के बाद अब भी बंद नहीं हुए, स्वार्थ बहुत खराब बात है। अपने स्वार्थ को बहुत कम लोग छोड़ पाए। वहीं दूसरी ओर शिवसेना ने एनडीए से बाहर करने का ऐलान करने पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। इसके अलावा शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक बार फिर इशारों में बीजेपी पर हमला बोला गया है। उसमें लिखा गया है कि किस आधार पर, किसकी अनुमति से एनडीए में शिवसेना के नहीं होने की घोषणा की गई। हमें एनडीए से निकालने वाले तुम कौन? घोषणा करने वाले को शिवसेना का मर्म और एनडीए का कर्म धर्म नहीं पता। एनडीए के जन्म और प्रसव पीड़ा को शिवसेना ने अनुभव किया है। भारतीय जनता पार्टी के बगल में भी कोई नहीं खड़ा होना चाहता था जब एनडीए की नींव रखी गई थी।